कर लो दर्शन। 1000 सपोर्ट करती है, 2000 सपोर्ट करती है, किसी भी भाई को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो 1500-2000 चलाने के लिए, आगे के समय में मेरे को बिजली की कमी ना पड़े, मतलब वायर की दिक्कत ना हो। हाँ दिखा रहा हूँ। अरे उसका कुछ है, दीवार भी बाहर वाली जितनी सफेद है। ओ भाई, दो चार चीजें ना पीपअप नहीं हो सकती, जैसे की रनिंग बोर्ड। मेरे भाइयों का राम राम। और भाई पहुंच चुके हैं स्टोर पे, आज है संडे का दिन, तो अब जगह वगैरह पूरी खाली है, पार्किंग जैसे काम करा रहा हूँ मैं, संडे को आ जा करो, थोड़ा रिलैक्स मिलता हमें, है ना। तो भाई बात करें अपनी, गौरव भाई ट्यूब ये बलेरो है क्या है भाई? ये इसका नाम तो बलेरो पर ये ट्यूब ही है, ये ट्यूब इसका नाम बलेरो रख दिया, पर बलेरो नहीं हो ये इसका, लेकिन लोगो उसका पुराना वाला, देखो लोगो पुराना वाला है, 26 गाड़ी है, 2022 मॉडल है, वाइट, ये कंपनी से ब्लैक आती है, लेकिन भाई ने स्टेप ले ली वाइट, उन्होंने एक रील देख ली ब्लैक की, वो गाड़ी तैयार होगी, अलॉय भी वही डले जो उस गाड़ी में थे, टायर भी डले जो उस गाड़ी में थे, और अब ब्लैक की हो गई। अच्छा, इसे ब्लैक की करा दी हमने, और क्या करा हमने इसमें? तो दो चार चीजें ना पीपअप नहीं हो सकती, जैसे कि रनिंग बोर्ड इसका ना बिल्कुल बॉडी के अंदर घुस के, ये वाला भाई, ये वाला पेंट करा दिया है, ये पेंट करा दिया है, मैच है पूरा, और आप पता है ये जितने हैंडल है ना, हाँ जी, इन सब पीपीएस नहीं होती, सब हैंडल जा रहे हैं पेंट के लिए, ये स्पॉइलर वाला सब आपका पेंट करा दिया है। अरे भाई बहुत टेढ़ी गाड़ियों में से एक है पीपीएफ करने में, जो रिटेलर भी देख रहे हैं ना, जिन्हें खुद का स्टोर है, वही गाड़ी सोच समझ से पकड़ना। बम्पर बहुत परेशान करे भाई, फ्रंट के बम्पर बहुत टेढ़ी गाड़ी है पीपीएफ करने में। ये बिना इसके भी अच्छी लगती है, इसमें पता क्या है भाई, इसमें छेद है, बॉन्ड लगा के दिए, और ये बॉन्ड के निशान जा नहीं रहे, बॉन्ड के निशान नहीं जा रहे, और इनमें छेद भी है बॉडी में, बॉडी में, चलो नक्कों के लिए। और बताओ, ये है लक्ष्य भाई की ब्रिज, लक्ष्य की वीडियो तुम तो देखते ही जाओगे। हां, ये हमने कही ब्लैक पीपीएफ, इसमें डालेंगे अजूम का प्रोजेक्टर 2090 मॉडल, ठीक है, और इसमें एक ना इनका टायर फट गया था, भाई का टायर आ जाएगा शाम तक, ये एक्सीडेंट हो गई थी भाई यहां से, गाड़ी लग गई थी, तो पहले भाई ट्रैफिक डायमंड ब्लैक पीपीएफ हो गई, दो चार पैनल चेंज हुए मारुति में, उन्होंने पेंट कराया, एलबीएम का बफर भाई खराब हो गया, वो जो भी है मारुति में गई थी गाड़ी, तो उन्होंने सर सेंटर वालों को जंगली उंगली छेड़छाड़ दिया, तो ऊपर उड़ा दिया, बिल्कुल डेड ऊपर रिकॉन होगा, ठीक है, और जो वायरिंग वायरिंग कुछ छेड़ी थी सिस्टम में भी थोड़ी दिक्कत आ गई, वो सेट करेंगे, और इसके अंदर एक हमने इसमें वो भी डाली, एक अंदर बॉडी हमने डाली है गाड़ी वाली, पता नहीं खराब हो गई थी, वो भी नहीं डालेंगे, तो ये चार पांच काम इसमें थे, अब ये भी चले जाएगी एक दो दिन में, एक दो दिन का ही काम बता रहा है, वैसे हमारे पास ये चार पांच दिन से खड़ी है, और इसमें पिलर, हाँ इसमें पिलर पॉट्स बनेंगे, एक एम डलेगा डीडी का, पिलर पॉट डीडी डलेगा, पिलर पॉट बहुत बना रहे हैं हमने, हम जो काम कर रहे हैं इकट्ठे थोक में कर रहे हैं, थोक में कर रहे हैं सारे, ये देखो अब इसके पिलर उतर गए, फॉग लैंप के कवर पेंट करा दिए, पेंट की फिनिशिंग आप देख सकते हो बिल्कुल साफ सुथरे एकदम, ठीक है, जो आदमी गत्ते कटवाते थे ना उसका वो परेशान ही रहते, देखो पता नहीं कब तक क्यों कटवाते, मेरे से नहीं आती, और तो फ्यूचर में देख के चलेगा, गाड़ी तो गंदी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप फिनिशिंग आप देखो साइड से भी नहीं पता, नहीं अभी जो ये गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, दिखाओ ना जो सफेद दिखता है, यहाँ गेटों के बीच में दिखाओ सफेद दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा, मेरी ब्रिज में दिखता है, लेकिन हमारे ठीक करते हैं, यहाँ से दिखता है कहीं, यहाँ से दिखता है, मतलब हमने कोशिश करी है भाई, जहाँ तक भी सफेद दिखे वहाँ हमने लॉकिंग, हाँ देखो यार किनारियाँ कहाँ से, यहाँ से नहीं छुप सकती है, अगर शीशा खोल के तो पीपीएफ होने से रही, हाँ। तो यहाँ तक जहाँ तक स्पीड जाएगी वहीं से, बिल्कुल देखो इसमें नहीं दिख रही, लेकिन कम से कम जहाँ अगर कटिंग में है तो कटिंग देखो, कटिंग ईवन होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सीधी सीधी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुमने अरे डार्लिंग मैकेनिक कहते थे, डेंटर पेंटर कहते थे, डॉक्टर साहब से बात करते, लेकिन वो चले गए बातों बातों में, डॉक्टर साहब जल्दी में उनकी मीटिंग थी, और अब अपन जाएंगे रात को सालासर बालाजी और खाटू श्याम, और टाइम मिला तो जयपुर भी जाएंगे, जयपुर क्या जाएंगे, एक अच्छा जगह घूमेंगे ना, हो जाएगा जयपुर का जाएंगे, पंडित जाएंगे खाटू श्याम, बिना पंडित जी मानेंगे नहीं, और मैं सारा सर बालाजी बालाजी, और आज भाई हम बुलेट पाए क्योंकि आज वरना भाई लेके ब्रिज घर खड़ी, वो मैंने छेड़ी नहीं, कवर ढक के खड़ी कर रहा है, बढ़िया गंदी हो जाती है ना, बहुत गंदी हो जाती है कभी कभी, इसमें साबुन वाबुन मारते इसको धुला लेते हैं, बढ़िया लग रही है भाई, तो एक बार फिर आपकी सेवा में, ठाली आदमी है चैन नहीं है, संडे का दिन है अपना घर में, अरे उसका कुछ है, दीवार भी बाहर वाली जितनी सफेद है, ओ भाई तुमने क्या देख लो सारे कॉर्नर क्या लगा दिया तुमने इसमें, पहले दिखाते तो मजा भी आता,
अब तो बिल्कुल नया सफेद कर दिया तुमने, कुछ गंदा बचरा ना बचरा अभी कर दिया साहब। ओह तो हफ्ता बहुत जल्दी रहा यार, इंजन विंजन भी कर दिया। लेकिन मेरी तो गाड़ी वैसी पहले से ही साफ, मैं क्या करूँगा। और दूसरी बात वो काली है, काली में नहीं पता, तो जिन गाड़ियों का रंग लाल है सफेद है, अंदर तक साफ कर दिया बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा मतलब मान लो ऐसा होगा बिल्कुल, इतना गंदा होगा सामने। देखो एग्जांपल दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये काला है, हाँ ये रुको रुको काला है, हाँ देख रहे ना। हाँ दिखा रहा हूँ। क्या केमिकल है ये, पानी मार दो सेट हो गया। अच्छा किसी आदमी को ऐसा करवाना हो तो कितने रुपए लग जाएंगे? 3000। बस 3000 में पूरा इंजन साफ? बॉलर छोटी गाड़ी का, हैं छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी का। हाँ थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन काम अच्छा है बिल्कुल। नहीं मैं तो खुद ही करने में मजा आता ना। नहीं हम भी कर लेंगे अपने में, हमें तो मजा ही आता। आज हमने काम नहीं पकड़ा ना कुछ, हमें शाम को जाना है कहीं, तो उस्ताद ने पहले अपनी गाड़ी कर ली। सही है बढ़िया। इसमें पानी मारो बेटा, देखो भाई पहले कैसा था और कैसा हो गया, बिल्कुल जीरो जीरो हो गया। चलो कर लो, जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा फिर दिखाएंगे एक बार आपको। तो भाई ये प्रोजेक्टर मंगाया हमने रूम का ब्रीजा के लिए, देखो अब कैसे खुलेगा। अच्छा ही ऐसे खुलेगा पूरा, बढ़िया है डब्बा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बात तो सच्ची है, बाकी तो सब ठीक है। कौन सा डब्बा इसका अजीब सा लग रहा है ना, खोली से खुल रहा आराम से। बाकी भाई हमारे पास दो लिथियम रखी है, एक 4000 सपोर्ट करती है, एक 2000 सपोर्ट करती है। किसी भी भाई को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो 1500-2000 चलाने के लिए तो ये और है भाई हाँ। नहीं हमारे पास रहता भाई, क्योंकि गिने चुने आदमी है जो लिथियम लगाते हैं। बाकी देखो उसका बैलेंसर भाई, जो जितना बड़ा बैंक होगा उसका बैलेंसर भी उतना अच्छा होगा। ये फोकस कर लेते हैं इस पर, कर ले यार फोकस, बेस्ट मत करा। हाँ ये रहा, और बाकी जो छोटे बैंक होते हैं उनका बैलेंसर कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है भाई, मतलब 4000 सपोर्ट और 2000 सपोर्ट, बहुत बढ़िया। जिसकी गाड़ी में ना मतलब मान के चलो जिसमें 800-800 भी लग रहे हैं वो भी इसे लगा सकता है, क्योंकि वो भी थोड़ा गेन कम करके चलाने पड़ते हैं। बाकी भाई प्रोजेक्टर देखो जरा उसका, ये वो वाला है लोअर हाई वाला इनबिल्ट है ना, नहीं इनबिल्ट तो है रहे। डुअल कलर, हाँ येलो और येलो और वाइट, बहुत बढ़िया। बाकी आज तो भाई हमने स्टोर में भी छेड़ा छाड़ी कर दी, क्योंकि कुछ कहा मतलब गाड़ी नहीं पकड़ी तो सोचा अपना स्टोर ही साफ कर लेते हैं। देखो गन्ने ले लो, गन्ने वाला गन्ने है इसमें। अच्छा ये वहाँ सा है मवाना से। तो भाई होंडा सिटी आई हमारे पास, जिसमें भाई ने सारा काम करा लिया था, लेकिन जिससे भी काम कराया था भाई ने ये व्हील कंट्रोल चालू करके नहीं दिया था भाई को, तो हमने चालू कर दिए। कल भाई काम हो गया आपको? बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो तो भाई इसमें व्हील कंट्रोल लगा दिया हमने और एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। बाकी भाई ने जो है एक बीए लगा रखा 1200। कहाँ से खोलेंगे भाई? कमल भाई खोलना एक बार डिक्की। देखो जी ये बीए 1200 लग रहा है और भाई ने एक्स्ट्रा बैटरी भी लगा रखी। कमल भाई आपको किसने बोला ये बैटरी लगवाने के लिए? बेटे के एक फ्रेंड ने बताया था, उसने कहा कि भाई ये बैटरी लगा लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा साउंड का। नहीं मतलब ये सिंगल बुफर 1200 है, तो आपको किसी ने रिकमेंड करा, किसी दुकानदार ने बोला या किसी ने क्या बोला? एक्चुअली क्या है ना, ये बैटरी मैंने इसलिए लगाई है कि अभी तो सिंगल है, मैं इसको आने वाले टाइम में 1200-2400 करूंगा इसको। अच्छा एम्पलीफायर वगैरह सब बदलूंगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पावर पहले बढ़ा लूं। अच्छा ये फ्यूचर का अपग्रेड है, और इसीलिए मैंने इसमें जो वायर है ना ये, हाँ जी वायर है बिग थ्री की वायर, मैंने 70 कितना 70 mm की लगा दी पहले। 70 mm? हाँ जी 70 mm लगा दी। हाँ तो इसमें तो आपने जनरेटर की तार लगा दी है? हाँ जी। और एसेंट भी 1500 डाल रखा है, ये सिंगल 1200 है। चलो कभी फ्यूचर में चेंज करेंगे तो पेटी और मोनो और तीनों चेंज होंगे आपके, जब जाके मामला सेट बैठेगा। चलो भाई आगे बढ़ाएंगे तो इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार कोई गाड़ी खरीदो तो हैचबैक कह रहा हूँ, छोटी गाड़ी खरीदो हैचबैक, ये सेडान में मजा नहीं आता। ठीक है ठीक, जैसा आपको शौक है ना उसके लिए तो बेटा वही डालना पड़ेगा। स्विफ्ट ले ले, I20 ले ले, बलेनो ले ले, मतलब कोई भी बिना डिग्गी वाली गाड़ी, जैसे चाहे बेसक ब्रीजा ले लो हमारी जैसी, लेकिन ये फिर भर के बजेगा जब इसमें दो लग जाएंगे, तो शीशे पीछे सब ही लेंगे। ठीक है जी, काम बढ़िया हो गया। बहुत चलो तैयार हो चलने को? उस्ताद बम्पर क्यों खोल रहे हो? ये आप ठीक है,
भैया इसका बम्पर हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें डालेंगे LED गौतम की वैगनार में से निकाल के। बाकी बहुत तगड़ी लाइट है और इसकी बहुत थकी हुई लाइट है, उसको डालेंगे इसमें फिर चलेंगे खाटू श्याम बालाजी जयपुर हवा महल जल महल वाटर पार्क झरने में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो वाटर पार्क क्या था ना। अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है। मछली के छपाक मजा आएगा नहीं रेंडम तगड़ी लगी। दो दाग सेट कर दिया हमने। चलो जी मम्मी फिर टाटा मम्मी टाटा 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 कर टाटा टाटा कर टाटा कर रहे देखना नहीं। चलो जी जय जय बाबा की बोल हारे के जय बोल खाटू श्याम की जय बोल सालासर महाराज की जय जय हर हर महादेव हर हर महादेव जय बाबा मोहन राम जय बाबा की। चलो जी तो भैया आज हम चिंटू और पंडित जी और वहाँ जो है तीन पार्टी और है गौतम है उस्ताद और एक भैया और है। भाई हमारा पहला स्टॉप है मन्नत और गाड़ी चल चुकी है हमारी 185 किलोमीटर और दो गाड़ी एकदम सेट लग रही। देखो ऐसा तो बहुत ही तगड़ी लग रही है भाई। इसे चला रहा हूँ तो ये बहुत तगड़ी लग रही है और इसे चला रहा हूँ तो वो बहुत तगड़ी लग रही है। बाकी सारे भाई अंदर चले गए रात के कितने बज रहे ये तो बड़ी दिक्कत है। 3:15 हो रहा भाई। माधव फैसले पहुंच गए। बोलो जय श्री श्याम। 6:30 बजे बहुत लो जी बाबा का जोड़ ये गौतम ने आपसे पहले उसमें देखा था टीवी में। मैं तो आया ही पहली बार। तो पहली बार ही आया। लो जी भाई खाटू साहब से पहुंच गए सालासर बालाजी और अंधेरा हो गया और टाइम हो गया 7। यहाँ भीड़ नहीं है ज़्यादा। क्या सब अपने अपने फ़ोन में लग रहे बैठे। गौतम कहाँ है? गौतम हो रहा जय बाबा की। तो भाई अपनी जो गाड़ी है ना वो चली है 723 किलोमीटर टोटल, जिसमें कि हमने भाई 2000 का पेट्रोल लगवाया था। मैंने थोड़ा बहुत बचा 500 रुपये का बचा होगा और करीबन करीबन भाई इसमें 1, 2, 3 सिलेंडर लगे। 3 सिलेंडर का मतलब है एक जगह तो CNG थी 82, एक जगह थी 92 और एक जगह थी 94। 94 थी सालासर बालाजी में, 92 थी खाटू श्याम में और 82 तो भाई यहीं थी कहीं गुड़गांव से थोड़ी सी और आगे थी। तो टोटल भाई 4,500 में अपनी गाड़ी 750 किलोमीटर चल गई तो बहुत बढ़िया चली। और एक सिलेंडर में ये चली थी भाई जब नॉन स्टॉप चला था तो 206 किलोमीटर चली थी। उसमें आधी बार ऐसी चल रहा था आधी बार बंद हो रहा था लेकिन बढ़िया चली भाई क्योंकि उसमें गैस भी ज़्यादा नहीं आई थी 8-8.5 किलो के आसपास गैस आई थी। तो 24-25 की एवरेज दी अपनी गाड़ी मस्त कोई टेंशन नहीं। तो भाई अपने ब्लॉग को करते हैं और हमने आपको खाटू श्याम के भी दर्शन करा दिए बालाजी के दर्शन करा दिए। ज़्यादा ब्लॉग भाई इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऐसा ब्लॉग मतलब ज़्यादा दिखाना खाना पीना घूमना फिरना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है तो छोटा छोटा काम भी दिखा दिया बाबा के दर्शन करा दिए। तो अपने ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में तब तक के लिए जय बाबा।